छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मुंगेली जिले में मिले हैं। वर्तमान में यहां 81 सक्रिय केस हैं। यही वजह है कि मुंगेली को रेड जोन में रखा गया है और संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका से लगे पेंडारा कापा के क्वारंटीन सेंटर में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पहले तो प्रवासी मजदूर संक्रमित मिले थे, लेकिन इस क्षेत्र में ड्यूटी में लगाए गए नगर पालिका के दो कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस क्षेत्र में नगरीय प्रबंधन ने यहां कर्मचारियों की ड्यूटी तो लगाई है, लेकिन इनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की है। हम लोग को सैनिटाइजर दिया गया है, तो कार्य करने सफाई कार्य करने पहले सैनिटाइजर का उपयोग करने हैं, और उसके बाद फिर कार्य बंद करने के बाद पहले लगाना है, उसके बाद हाथ धोना है, फिर ग्लव्स पहनने हैं। वो ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है जो नालियों में छिड़काव के लिए दिया जाता है, मच्छर की मतलब संक्रमित हाथ के मिले गए और जूता मोजा मिले रही मिले रही थे, अब ये कोरोना तब से कुछ नहीं मिला। कम्युनिटी संक्रमण प्रारंभ हो गया, आपका कहना बिल्कुल सही है। 11 लोग हैं ऐसे जो बाहर के श्रमिक नहीं हैं और जो हमारे स्थानीय लोग थे, उसके लिए हमने पूरी एहतियात बरत के कार्रवाई शुरू कर दी है, और एक दूसरे का चैन को तोड़ने के लिए हम लोगों ने पूरी प्रयास कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि हम इसको आगे पब्लिक में संक्रमण होने नहीं देंगे।